नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हड्डी गोदाम इलाके में वक्फ बोर्ड की जमीन पर फैले अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही नगर निगम जिला प्रशासन के द्वारा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मामले में जानकारी देते हुए वहीं 3000 स्क्वायर फीट की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद अतिक्रमणकारियों के द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया, जिस पर पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग करते हुए अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। वहीं वक्फ बोर्ड के सदस्यों के द्वारा पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम से भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके बाद पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि बड़ी मदार टेकरी इलाके में वक्फ बोर्ड की भूमि पर कब्जा अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा किया गया था, जिसको हटाने की कार्रवाई आज नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। लगभग 3000 स्क्वायर फीट भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। जैसा कि यहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, ये जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी और वहाँ के सेक्रेटरी द्वारा जो है कार्रवाई के लिए रिक्वेस्ट किया गया था प्रशासन को, और उन्हीं के आदेश पे यहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। काफ़ी पुराने से कुछ लोग यहाँ पे जमा के बैठ गए हैं। ये पूरी ज़मीन ऐसा बताया जा रहा है वक्फ बोर्ड की है, तो जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उस पर अतिक्रमण हटवाया जा रहा है और पुलिस यहाँ पे सुरक्षा कारणों से यहाँ पे बनी हुई है। कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है, इसमें नायब तहसीलदार साहब भी उपस्थित हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।